गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स वेलकम बैक माई यूट्यूब चैनल आई होप आप सभी अच्छे होंगे सेफ होंगे एंड टू डे वर गु डिस्कस सिक्स चैप्टर ऑफ नाइन क्लास दिस इज़ वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी द टाइटल ऑफ द चैप्टर इज अ माई चाइल्ड हुड ये चैप्टर ए पी जे अब्दुल कलाम के बारे में है उनकी ऑटोबायोग्राफी है क्या उन, उनका उनका चाइल्ड हुड कैसा था उनका बचपन कैसा था क्या एक्सपीरियंस उनके रहिए क्या प्रॉब्लम को फेस करनी पड़ी है सो वी विल डिस्कस ऑल अबाउट ए पीजे अब्दुल कलाम So let's start with me, students. Yes, I didn't before you read. Can you think of any scientist who have been also who have also been statement statement? a hota hai political figure. Okay, political man bhi A. P. J. Abdul Kalam, whose project in space, defense, and nuclear technology guided India into the twenty-first century, become our eleventh president in two thousand two. एन हीस ऑटोबायोग्राफी विंग्स ऑफ फायर ही स्पीक्स ऑफ हिस्स चाइल्ड हुड क्या कैन यू थिंक मतलब क्या आप साइंटिस्ट के बारे में सोचते हो कैन यू थिंक किसी साइंटिस्ट के बारे में तो सोचा है जो क्या है पॉलिटिकल फिगर रह चुके हैं और जो ए पी जे अब्दुल कलाम है उनके जो प्रोजेक्ट हैं चाहे स्पेस में है डिफेंस में है न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी को लेकर है वो सभी और हमारी हेल्प करती है ठीक है सभी फील्ड में हमारी हेल्प की है उन्होंने ओके okay. हमें आज पे बहुत ज्यादा हेल्प मिलती है उनके जो प्रोजेक्ट्स हैं उनसे इन स्पेस इन डिफेंस न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी गाइड इन इंडिया इन टू दस्ट सेंचुरी बिकेम केम आर इलेवेंट इन टू थाउजेंड ट्वेंटी टू टू थाउजेंड टू टू थाउजेंड टू में फर्स्ट इलेवेंथ प्रेजिडेंट रह चुके हैं उनकी जो ऑटोबायोग्राफी है फायर ऑफ विंग्स वो ही स्पीक्स इज अ चाइल्ड हुड उसमें वो अपने पूरे चाइल्डहुड के बारे में बताते हैं बचपन के बारे में बताती है सो लेसन वेरी केयरफुली आई वॉज बोर्न इन टू मिडिल क्लास तमिल फैमिली आए यहाँ पे ऑब्बियसली एपीजे अब्दुल कलाम है उनका जो, जो बॉर्न हुए थे वो जन्म उनका जो हुआ था वो मिडिल क्लास फैमिली में हुआ था तमिल फैमिली में हुआ था मिडिल क्लास में मीन्स नो सो टो सो रिच एंड नो सो पुअर ना तो ज्यादा पुअर फैमिली थी और ना ही ज्यादा रिच थी और वो कहाँ हुआ था टाउन कौन सा था रामेश्वर में हुआ था इन एड्स वायर मद्रास रामेश्वर में उनका जन्म हुआ था ये कहाँ पे है मद्रास स्टेट में माय फादर उनके जो फादर थे फादर का नेम क्या है जनरल दे उनके फादर का नेम था जनरल नीदर मच फॉर्मल मीन्स ना ज्यादा पढ़े लिखे थे और ना ही ज्यादा रिच थे और इस डिसएडवांटेज डिसएडवांटेज क्या पढ़े लिखे ना होना डिसएडवांटेज ये है और ना ज़्यादा रिच होना ये कहें ये दो डिसएडवांटेज थे और इन ये क्या थे इन इसके बावजूद भी उनमें इेट विजडम थी नेट विजडम क्या वो इंटेलिजेंस उनकी बहुत ज़्यादा थी ओके अंडरस्टैंडिंग उनमें बहुत ज़्यादा थी और ट्रू जूनसिटी थी ऑफ स्पिरिट ट्रू जूनिवर्सिटी जो नेडी पर्सन होती है उनकी हेल्प करना ओके ग्रेट हार्ट था उनका और उनकी मदद का नेम क्या था अशे अश्यम्मा अशियाम्मा उसके मदर का नेम था जो उनके फादर की बहुत ज्यादा हेल्प करती थी हेल्प नीट थी और आई डोंट रिकॉल एग्जैक्ट नंबर ऑफ पीपल शी फैंड एवरी डे मींस वो लोगों को जो भूखे लोग होते थे उनको खाना देती थी इतने मेंबर उनकी फैमिली में नहीं थे जितने की बाहर लोगों को खाना दे देती थी ओके मीन्स कुछ ना होते वो लोगों की हेल्प करना ये बहुत अच्छी क्या है बहुत अच्छा एटीट्यूड अच्छा अच्छा। अच्छा अच्छा अच्छा। होता है पे अटेंशन ये टेंशन एस सेकेंड आई वॉज वन ऑफ मैनी चिल्ड्रन्स मीनस बहुत सारे चिल्ड्रन में एक थे जिनकी हाइट बहुत ज्यादा छोटी थी और डिस्टिंग लुक्स मीनस ये नॉर्मल ऑर्डिनरी चाइल्ड थे ज़्यादा हैंडसम नहीं थे ओके okay, इनके जो पेरेंट्स थे वो क्या थे टॉल थे और हैंडसम पेरेंट्स थे बट इनकी जो अ, लुकिंग थी वो क्या थी ऑर्डनरी लुक थी ओके नोट सौ एक्स्ट्रा अच्छा ऑर्डिनरी नहीं था अनडिस्टिंग लुक्स थी इनकी और वो रहते कहाँ थे एनसेस्टर हाउस में एनसेस्टर हाउस होता जो हमें इनहेरिटेड मिलता मीन्स पहले पहले वो हाउस किसका था पहले वो हाउस उनके ग्रैंडफादर का फिर फादर फिर उनका ओके okay, जैसे एनसेस्टर इनहेरिटेड हाउस होता है वो house, उस हाउस में रहते थे और वो बना कब था नाइनटीन सेंचुरी में और इट वॉज अ फेयरली फ्यार्ज पक्का हाउस मीनस ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग हाउस था पक्का हाउस था जो कि किससे बना हुआ था माइल स्टोन से, से बना हुआ था

were provided for in the term of food medicines or clothes in fact i would say my was a very secure childhood, both materially and emotionally means इनके फादर के बारे में बताया गया है जो फादर है ऑस्टियर ऑस्टियर मतलब होता है सिंपल सादा थे वो बेसिक नीड फुलफिल करते थे ओके okay, अच्छे तरीके से जो है बेसिक नीड फुलफिल करते थे जो कंफर्ट लग्जरी चीजें होती जो एक्सपेंसिव चीजें होती थी उनको अवॉइड करते थे ना, बेसिक नीड्स क्या जैसे टर्म ऑफ फूड आ गया आ आ क्लो गया क्लोथ और जो सचमुच में उनका जो जो ए अब्दुल कलाम है वो कह रहे हैं जो जो रियली में मेरा हैंड था वो स्क्योर चाइल्डहुड था और कैसे सिक्योर मेंटली भी और इमोशनली भी दोनों तरीके से सिक्योर था नेक्स्ट द सेकेंड वर्ल्ड वॉर ब्रोक आउट इन नाइनटीन थर्टी नाइन आई वॉज एट ईयर ओल्डन आई हैव नेवर बीन एबल टू अंडरस्टैंड अ सडन डिमांड ऑफ

यहाँ पे वो कह रहे हैं कि वो क्या करते थे इन सीड्स को इकट्ठा किया करते थे और बेच, आ, बेचा करते थे सेल डैम उनको बेचा करते थे कहा मॉस्क्यो स्ट्रीट में जो शॉप होते थे वो ठीक है मस्जिद होती है मॉस्किस स्ट्रीट में जो भी शॉप्स होती थी वहाँ पे वो जो इमली के बीज थे शीट्स उनको बेच कर आते थे और पूरे दिन में जो भी उन वो काम करते थे कलेक्शन करने का ठीक है पूरे दिन में जब वो बेच कर आते थे उनको क्या मिलता था जो प्राइस है वो प्रिंसली समा वन अन्ना भी प्रिंसली सम होता था, था मीन्स बहुत ज़्यादा होता था उस टाइम पे वन अन्ना भी एक वन अन्ना मीन्स यहाँ पे, पे कॉइन है ओके मनी को बोला गया है टाइम पे भी ये बहुत ज्यादा होता था नेक्स्ट माय ब्रदर इन जलालुद्दीन वुड टेल मी स्टोरीज अबाउट द वॉर आई वुड लेट टू ट्रेस इन द हेडलाइन इन दिनास उनके जो ब्रदर इन थे जलालुद्दीन उनको क्या, वो क्या सुनाते थे वॉर की स्टोरी सुनाते थे ठीक है किसको ए पी जे अब्दुल कलाम को वॉर की स्टोरी सुनाते थे और वो क्या करते थे, थे? न्यूज़पेपर में दिनामनी न्यूज़पेपर का नेम है वो न्यूज पेपर में उन हेडलाइन को ट्रेस करते थे ओके okay. और जो इनका एरिया है वो क्या रहा था आइसोलेटेड एरिया था मीन्स अनफेक्टेड एरिया था वॉर की जो हेडलाइन है वो वहां तक नहीं पहुंच पाई थी मीन्स आइसोलेटेड एक वॉर से अनफेक्टेड एरिया था नेक्स्ट सोन इंडिया वॉज फोर्स टू ज्वाइन अलाइट फोर्स एंड समथिंग लाइक स्टेट ऑफ एमरजेंसी वॉज डिक्लेयर एमरजेंसी वॉज डिक्लेयर मुंस यहाँ पे कर्फ्यू बोल सकते हो आप ओके okay. एक कर्फ्यू डिक्लेयर हो गया था जल रही है इंडिया में और जो इंडिया इंडिया वॉज फोर्स उनको फोर्स किया गया था कि वो अलाइंस फोर्स जो आर्मी को ज्वाइन करेंट इज नेक्स्ट इज द फर्स्ट कैजुअलिटी केम इन द फॉर्म ऑफ सस्पेंशन ऑफ द ट्रेन रामेश्वरम स्टेशन ये क्या हुआ था लॉस कैजुअली कैजुअलिटी होता है लॉस पहला लॉस क्या हुआ था सर इस एमरजेंसी का एमरजेंसी uh, का जो सस्पेंशन मीन्स जो ट्रेन थी होल्ट होता है रोकना जो ट्रेन थी रामेश्वर रुकती थी स्टेशन पे उसको रुकना रोकना स्टॉप कर दिया था वो अब रामेश्वर नहीं रुकती थी जो न्यूज़पेपर लाए जाते थे उस ट्रेन में न्यूज़पेपर क्या होता था मीन्स लोग जो रामेश्वर के लोग थे वो क्या करते थे न्यूज़पेपर पढ़ते थे ओके वो न्यूज़पेपर पेपर कहाँ से आते थे उस ट्रेन में से आते थे रुकती थी और वो वहाँ पर न्यूज़पेपर प्रोवाइड करके जाते थे बट अब क्या होता है वहाँ पे तो ट्रेन रुकती नहीं है स्टॉप ऑफ होना बंद हो गई है न्यूज पेपर आउ है टू बंडल एंड थ्रोन आउट फ्रॉम द मूविंग ट्रेन ऑन द रमेश रोड बिटवीन द रमेश्वरम एंड धनुष कौड़ी यहाँ पे क्या होता है चलती ट्रेन में ही न्यूज़ पेपर के बंडल बना के चलती ट्रेन में से ही बाहर गेर दिए जाते थे कहाँ गिर गेर, गेर दिए जाते थे रमेश्वरम रोड पर ओके ये कहाँ ये अलग अलग स्टेशन की बात हो रही है र, जो कहाँ पे है रमेश्वर रोड बिटवीन द रमेश्वर एंड धनुष कौड़ी के okay, वहां पर चलती ट्रेन से जो न्यूज़पेपर है लोगों के लिए दे दिए जाते थे नेक्स्ट दैट फोर्स माय कजन हु डिस्ट्रीब्यूटेड न्यूज़पेपर इन रामेश्वर टू लुक फॉर द हेल्पिंग हैंड टू कैच द बंडल एंड एज इफ नेचुरली आई फील द स्लोट समोसेज हाफ अ सेंचुरी लेटर आई कैन स्टिल फील द सर्च ऑफ प्राइड इन अर्निंग माई ओन मनी फॉर द फर्स्ट टाइम भी क्या होता है जो उनकी कज़न है समु दिन ये डिस्ट्रीब्यूट करते थे न्यूज़पेपर को कलेक्ट करते थे वहाँ से रामेश्वरम से कलेक्ट करते थे और उनको न्यूज़पेपर को आगे डिस्ट्रीब्यूट करके आते थे और इस डिस्ट्रीब्यूट करने में इनकी हेल्प कौन करता था ए अब्दुल कलाम इनकी हेल्प करते थे और ये इनको फ्री में नहीं करवाते थे जो इनके कज़न हैं वो उनको वेज देते वेज मीन्स सैलरी उनको पैसे देते थे इस काम के करने के लिए और यहाँ पे बोला गया है हाफ सेंचुरी लेटर मीन्स पचास साल बाद की बात हो रही है और वो क्या करते फर्स्ट टाइम उन्होंने अपनी फर्स्ट सैलरी गेन की थी उनको तो बहुत ज़्यादा क्या क्या हो रहा था प्राउड फील हो रहा था नेक्स्ट इज Every child is born with some inherited characteristic into the specific socio-economic and emotional environment, and the trained in certain way by figure of authority. Means यहाँ पे every child अब यहाँ पे APJ Abdul Kalam every child में हर एक बच्चे की बात कर रही हैं कि जो पैदा होती हैं, born होती हैं, वो क्या है in inherited characteristic उनमें होती ही होती है. Every individual different बाय देर बिहेवियर उनका बिहेव अलग होता है इमोशनली डिफरेंट uh, होती है वो ओके हेरिटेड कैरेक्टरिस्टिक मीन्स जो हमें अपने पेरेंट्स से ग्रैंड पेरेंट्स से मिलती है उसको बोला गया है इनटू द स्पेसिफिक सोशल इकोनॉमिक ओके एंड इमोशनल दोनों में ही मनी के उसमें भी और इमोशनल इमोशनल इन्वायरमेंट में भी डिफरेंट होंगे और हम ट्रेनड किए जाते हैं किसके द्वारा टीगर ऑफ अथॉरिटी अथॉरिटी नीस जो हमारे ग्रैंड पेरेंट्स हैं हमारे पेरेंट्स हैं वो हमें क्या करते हैं ट्रेन करती हैं उनसे ही हमें जो कुछ करेक्टरिस्टिक हैं वो मिलती हैं आई इनहेरिटेड हनी ऑनेस्टली एंड सेल्फ डिसिप्लिन फ्रॉम माई फादर और uh, इनको इनहेरिटेड क्या मिला था अपने फादर से क्या मिला था ऑनेस्टी और सेल्फ डिसिप्लिन मिला था अपने फादर से फ्रॉम माई मदर ओके नॉट ओनली फादर दोनों फादर एंड मदर दोनों से ही ये इनको मिला था क्या मिला था ऑनेस्टी एंड सेल्फ डिसिप्लिन थे आई इनहेरिटेड फेथ इन गुडनेस एंड एंड डीप काइंडनेस सो डिड माई थ्री ब्रदर एंड सिस्टर्स यहाँ पे देखो इनहेरिटेड uh, किया है फेथ मीन्स इनमें गुडनेस है काइंडनेस बहुत ज्यादा है जैसे कि इनके थ्री ऑन ब्रदर सिस्टर में इनके तीन और बहन भाई थे उनमें भी सेम था आई हैव थ्री क्लोज फ्रेंड्स आप ये अपने फ्रेंड्स के बारे में बताते हैं उनके थ्री फ्रेंड्स थे रामानाधा शास्त्री एंड अरविंद okay, थे इनके ऑल दिस वॉयज वर्क फ्रॉम ऑर्थोडॉक्स हिंदू ब्राह्मी फैमिली एज आपको बताया जो uh, ए पी जे अब्दुल कलाम है वो मुस्लिम फैमिली से थे और ये तीनों ऑर्थोडॉक्स हिंदू ब्राह्मीण फैमिली थे ऑर्थोडॉक्स मीन स्ट्रिक्ट जो रूल रेगुलेशन मानते हो कि हमारा ये इधर हमें रिलीजन है हम दूसरों हमारे ब्रिंगिंग अलग से हुई है तो जो स्ट्रिक्ट रूल है कास्ट फीमिल वो नहीं होना है इंडिक्स नहीं होना है जो कास्ट का डिफरेंस है ओके मीन्स पूरा अपनी कास्ट के पूरे रूल एंड रेगुलेशन फॉलो करते हैं वो इसलिए बोला गया है और थोडोक्स हिंदू ब्राह्मण फैमिली से तीनों जो इसके फ्रेंड थे वो ब्राह्मण फैमिली से थे और जो ए पी जे अब्दुल कलाम है वो मुस्लिम फैमिली से थे एज सर फेल्ट एनी डिफरेंस अमॉन्ग दर सेल्फ बिकॉज ऑफ आर रिज डिफरेंट एन अप्रिंग ये upbringing. यह but बचपन एज अ चिल्ड्रन मीन्स जब हम बच्चे थे चिल्ड्रन थे तो हमने कभी भी डिफरेंस ही फील किया कि हम डिफरेंट का, कास्ट से या डिफरेंट रिलीजन से बिलोंग करते हैं या मैं मुस्लिम हूँ मेरी अपब्रिंगिंग अलग से हुई है या फिर वो हिंदू हैं उनके अपब्रिंगिंग जो पालन पोषण है वो अलग से हुआ है कभी भी इन्होंने ये डिफरेंस नहीं फेस किया था मीन्स नहीं फील किया था इनफैक्ट रामानंदा शास्त्री शास्त्री वॉज द सन ऑफ पक्षी लक्ष्मा लक्ष्मण शास्त्री मीन्स जो ये रामानंदा शास्त्री थे ये किसके सन थे पक्षी लक्ष्मा शास्त्री के सन थे द हाई पृष्ठ वो बहुत ज्यादा हाई मीन्स हाई पृष्ठ थे पृष्ठ मीन्स जो पुजारी हैं मंदिर का ध्यान रखना पूजा वगैरह करना जो भी उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो सारी उन, उनके सन ने ले ली थी किसने थी मीन्स रामानंद रामानंद शास्त्री ने ले ली थी ऑफ द लेटर ही ओवर द द ऑफ रामेश्वरम राम्पल फ्रॉम हिज नेक्स्ट मीन्स जो उसके फ्रेंड थे रामानंदा वो प्रिस्ट बन गए थे जैसे कि उसके फादर थे अपनी फादर की पूरी रिस्पांसिबिलिटी उनके फ्रेंड ने ले ली थी जो अरविंदन थे वो क्या हो गए थे चले गए थे बिजनेस करने ऑफ अरेंजिंग ट्रांसपोर्ट फॉर विजिटिंग क्या होता है जो लोग धार्मिक यात्रा करते हैं उन लोगों के लिए ट्रांसपोर्ट का देखना ट्रांसपोर्टेशन का देखना सारा अरेंज करना वो किसने करना था अरविंदो अरविंदन ने करना था ओके नेक्स्ट क्या है शिवम प्रकाशन क्या नाम है इसका शिवा प्रकाशन ये क्या बन गए थे बिकमा के ट्रिंग कंडक्टर फॉर द साउथर्न रेलवे साउथ में कंडक्टर वनडे थे तो सभी कुछ ना कुछ बन गए थे उसके फैन नेक्स्ट ड्यूरिंग द एनुअल श्री सीतारामा कल्याणम नेक्स्ट ड्यूरिंग द एनुअल श्री सीता राम कल्याणम सेरेमनी मीन्स यहाँ पे एक सेरेमनी हुआ करती थी राम और सीता की जो मैरिज है कल्याणम मीन्स उनकी मैरिज की एक सेरेमनी हुआ करती थी उनकी फैमिली उनकी फैमिली मीन्स जो ए पी जे अब्दुल कलाम है उनकी फैमिली और जो उनके तीनों फ्रेंड्स की फैमिली ये नहीं है कि सिर्फ हिंदू ही इसमें पार्टिसिपेट करते थे जो ए पी जे अब्दुल कलाम है उनकी फ़ैमिली भी पार्टिसिपेट करती थी और उसके जो थ्री फ्रेंड्स हैं उनकी फैमिली भी पार्टिसिपेट करती थी और क्या होता था प्लेटफॉर्म पे जाते थे बोट पर प्लेटफॉर्म मीन्स जहाँ पे ये सेरेमनी हुआ करती थी वहाँ पे जाते थे तीनों वहाँ पे क्या लॉर्ड रामा की जो मूर्ति थी वो लेकर जाते थे और जो इनका घर था मीन्स जहाँ पे ए पी जे अब्दुल कलाम का घर था वहाँ पे एक पौंड था पौंड मीन्स एक रिवर होती है ठीक है एक पौंड था वहाँ बीचों बीच बीचों बीच जाके जो राम जी की मूर्ति थी ओके वो वहाँ पे विसर्जन करते थे, थे इनका और होता क्या था देखो ये आ, इनको ना बहुत ही इंपॉर्टेंट लेसन सीखने को मिले जब इनके चाइल्डहुड में क्या होते थे इनकी मदर और इनकी ग्रैंड मदर इनको स्टोरीज सुनाया करती थी बैड टाइम में जब रात को स्टोरी का टाइम होता था उनकी जो ग्रैंड मदर थी तो इनको जो प्रोफिट की और रामायण की स्टोरी सुनाया करती थी और जो एपीजे अब्दुल कलाम हैं उनमें क्या अच्छा है क्या सीखने को क्या ट्रू लेसन हैं वो सीखते थे One day when I was in the fifth standard at the Rameshwar Elementary School, a new teacher came in our school. I used to wear a cap which marked marked to me as a Muslim. इनके जो फ्रेंड है रामानंदा उनके साथ हमेशा बैठते थे, थे जो ये एलिमेंट्री स्कूल की एक बार बात बता रहे हैं जब ये एलिमेंट्री स्कूल में थे फिफ्थ क्लास में थे तो ये ना उनके स्कूल में एक इनकी क्लास में एक न्यू टीचर आई एक दिन न्यू टीचर आती हैं और ये ना जो ए पीजे अब्दुल कलाम वो ना कैप पहना करते थे जो कि जैसे मुस्लिम लेते हैं मुसलमान पहनते हैं कैप ये ऑलवेज एक कैप पहना करते थे जो कि साइन है मुस्लिम होने का और वो किसके साथ बैठते थे, थे अपने फ्रेंड के साथ बैठ बैठते थे लेट्स सी क्या होता है सेक्रेट थ्रेड मीन्स जो उनके फ्रेंड थे वो एक सेक्रेट सेक्रेट थ्रेड मीन्स सेक्रेट होता है पवित्र ठीक है एक धागा पहनते थे, थे जिसको जनेऊ बोलते दे, देते हैं क्योंकि वो क्या थे हिंदू फैमिली से बिलोंग करते तो ऑब्वियसली वो पहनते थे, थे न्यू टीचर को नोटोमा क्या था, था, था। डाइजेस्ट नहीं हो रही थी ये बात कि एक मुस्लिम हिंदू के साथ कैसे बैठ सकता है वो बर्दाश्त ही नहीं कर पा रही थी जो न्यू टीचर उनके क्लास में आए थे हिंदू प्रिस्ट सन सिटिंग विद मुस्लिम बॉय एक हिंदू प्रिस्ट एक मुस्लिम बॉय के साथ कैसे बैठ सकता है डिंग विद सोशल रैंकिंग सोशल रैंकिंग मीन्स हाई रैंक लो रैंक जो कास्ट में रैंक बना दिए जाते हैं ओके नाउ एंड न्यूट्रेड मीन किस तरीके से देखते थे कि आप किस तरीके की थिंकिंग थे उनके कि ये मुस्लिम है ये हिंदू है, वो इस तरह रैंक में सोचते थे आई वॉज आज टू गो मैंने उनको जाने के लिए पूछा सिट ऑन द बैक और आई वॉज आज टू गो उन्होंने मुझे बोला कि तुम जाओ और पीछे बैठ जाओ पीछे वाले बेंच पे बैठ जाओ अब क्या है उनको पीछे जाने के लिए बोल दिया जाता है एपीजे अब्दुल कलाम को उनके जो फ्रेंड है साथ बैठे थे ही डाउनकास्ट आई टू माय सीट इन द द इमेज ऑफ मीपिंग वैन आई शिफ्टेड टू द रो यहाँ पे देखो उनकी फ्रेंड जब वो लास्ट बेंच पे जा रहे हैं तो उनके फ्रेंड बहुत ज़्यादा सैड हो जाते हैं बहुत ज़्यादा सैड हो जाते हैं और रोने लग जाते हैं और ये जो इमेज है वीपिंग रोने की जो इमेज है ये बहुत लास्ट इंप्रेशन छोड़ जाती है ओके जिसको वो कभी नहीं बोल सकती कौन ए पी जे अब्दुल कलाम नेक्स्ट होता क्या है स्कूल के बाद क्या होता है ये बच्चे अपने घर पर जाते हैं और अपने फादर को अपने पेरेंट्स को ये इंसिडेंट बता देते हैं कि न्यू टीचर आया है और उन्होंने ऐसा ऐसा स्कूल में किया हमारे साथ क्लास में किया कि ए पीजे अब्दुल कलाम को पीछे बढ़ा दिया और उनकी थिंकिंग क्या है कि एक मुस्लिम एक हिंदू के साथ नहीं बैठ सकता अब लक्ष्मण शास्त्री क्या करती है सम्मान द टीचर सम्मान होता है बुलाना उस टीचर को बुलाती हैं उनके ही प्रेजेंस में ए पी जे अब्दुल कलाम भी बैठे हैं और उसके फ्रेंड भी हैं और वो टीचर को बोलते हैं कि आपको इस जो स्प्रेड द पॉइजन मीनस इस तरीके का जो जहर है इन सो सोशल इन इक्वालिटी का जो जहर है वो नहीं फैलाना चाहिए ये जो इनोसेंट चिल्ड्रन हैं इनको इन, आ, इन इनक, इनके माइंड में मतलब इनको ऐसे लर्न नहीं करना है कि जो रैंकिंग है सोशल रैंक है इन इनक्वालिटी है ऐसा कुछ ऐसा कुछ टीच नहीं करना है इनको मीन्स क्या नहीं बनना जो कम्युनल इंटॉलरेंस है इनके इनोसेंट चिल्ड्रन के माइंड में नहीं भरना है जो भी रिलीजियस डिफरेंस हैं कास्ट डिफरेंस हैं इनका जो पॉइजन है वो नहीं फैलाना है ऐसा कुछ हमें टीच नहीं करना है मीन्स उनको बहुत ज़्यादा शेम फील होती है जब लक्ष्मणा शास्त्री ये सब कुछ न्यू से Next, टीचर से बोलते हैं नेक्स्ट वो क्या कहते हैं टीचर से ही ब्लंट मीन्स क्लियरली उनको बोल दिया आस द टीचर टू द आई दर अपोलो अपोलोजाइज और क्विक द स्कूल एंड द आईलैंड मीन्स उन्होंने कहा अपोलोजाइज या तो फिर सोरे बोलो नहीं ये स्कूल छोड़कर चले जाओ नेक्स्ट नॉट ओनली डिज द टीचर रिग्रेट दिहेवी स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफिंग शास्त्री कल्टीमेटली रिफॉर्म दिस सिर्फ ना केवल टीचर ने रिग्रेट किया रिग्रेट मीन्स जो उसने किया था उस पर उसको पछतावा भी हो रहा था बल्कि उसका hmm. बिहेव भी इम्प्रूव हो गया था स्ट्रॉन्ग कन्विंशन लक्ष्मण मीन्स उसको अल्टीमेटली ही रिफॉर्म कर दिया था वो चेंज हो हो चुका था इसकी वजह से लक्ष्मणा ने जो भी उसको कहा था लक्ष, लक्ष्मा की जो स्पीच थी उससे वो जो टीचर था वो क्या हो गया था अल्टीमेटली चेंज हो गया था उसकी ओपिनियन चेंज हो गई थी किसके अबाउट जो ये जो ये रैंक है आ, हाई कास्ट लो कास्ट तुम्हारा ये रिलीजन है ये है वो है तो ये जो डिफरेंसेस हैं इन क्वालिटीज़ हैं इनके अबाउट उनका जो नजरिया था उनका जो वे था वो क्या हो गया था उनकी जो थिंकिंग थी वो चेंज हो गई थी मीन्स इस पैसे से हमें क्या सीखने को मिलता है कुछ लोग डिफरेंस क्रिएट करते हैं और कुछ क्या करते हैं उनको खत्म करने की कोशिश करते हैं ऑन द होल सोसाइटी ऑफ रामेश्वर वॉज वेरी ऑफ्रेसन सेंग्र क्या होता है डिवाइड करना अलग अलग करना सोशल ग्रुप मीन्स यहाँ पे रामेश्वर में पूरी तरीके से रेजिड क्या होता है स्ट्रॉन्ग स्ट्रिक्ट पूरे स्ट्रिक्ट तरीके से फॉलो होता था जो भी डिफरेंसेस थे मींस जो हिंदू हैं हिंदू ने जो पहनना है जो मुस्लिम है वो क्या पी लेंगे पूरा रूल एंड रेगुलेशन फॉलो होते हैं रामेश्वर में जो भी उनकी सोसाइटी थी उनकी सोसाइटी में रूल रेगुलेशन फॉलो होते थे जिसकी जो जो जिस कास्ट से बिलोंग करता था वो पूरे रूल रेगुलेशन फ़ॉलो करता था हाउ मई साँस टीचर साइंस साइंस टीचर हैं जो शिवाम ब्रह्मान्या अयर थ्रो एंड ऑर्थोडॉक्स ब्राह्मण वो क्या है बहुत ही ब्राह्मण थे उनके जो साइंस टीचर थे शिवाशु ब्रह्मान्या अयर ओके अ विदरी कंजर्वेटिव वाइफ उनकी जो वाइफ थे बहुत ही कंजर्वेटिव वाइफ थी कंजर्वेटिव वाइफ मीन्स जो डिफरेंस करती है कास्ट में डिफरेंस करती है ओके कंजर्वेटिव मीन्स ट्रेडिशनल वाइफ पूरा जो रूल रेगुलेशन को फॉलो करती है यहाँ नहीं बैठना वहाँ नहीं बैठना इसमें मिक्स नहीं होना और इसके साथ नहीं बैठना जो ट्रेडिशनल रूल रेगुलेशन होते हैं पूरे अपनी कास्ट को फॉलो करना अनटचबलिटी ज़्यादा हो जिसके अंदर ओके okay? वो बट ये कंजर्वेटिव नेचर उसकी वाइफ का उनके टीचर को बिल्कुल पसंद नहीं था जो उनके टीचर का के, क्या नीम है शिवाशु ब्रह्मान्या अयर उनके टीचर का नीम था वो कुछ चेंज लाना चाहते थे सोसाइटी में कंज़र्वेटिव नेचर उनकी वाइफ का जो और लोग सोचते थे डिफरेंस करते थे वो इस डिफरेंस को ख़त्म करना चाहते थे वो कुछ अच्छा करना चाहते थे सोशल बैरियर्स को तोड़ना चाहते थे ओके पीपल फ्रॉम वेरियस बैकग्राउंड वेरियन बैकग्राउंड कोड मिंगल ईजिली वैसे ये जो सोशल वेरियज बैरियर्स हैं ये टूट जाए और लोग क्या हैं जो डिफरेंट रिलीजन से बिलोंग करते हैं डिफरेंट कास्ट से बिलोंग करती है वो मिंगल हो पाए मिंगल क्या एक, एक दूसरे से खुल पाए

ये, ये जो जैसे कि बिग सिटीज़ में लोग होते हैं ठीक है जो ये जो सोशल बैरियर्स को ख़त्म कर पाए इतना हाईली वो ग्रो करना चाहते थे हाईली एजुकेटेड करना चाहते थे किसको को ए पी जे अब्दुल कलाम को ताकि वो सोशल बैरियर्स को कुछ उनको तोड़ सके कुछ चेंज ला सके किस में सोसाइटी में नेक्स्ट वन डे का इंसिडेंट बता रहे हैं कि होता क्या है वन डे इनवाइटेड मी टू हिज होम फॉर अ मील His wife was horrified at the idea of a Muslim boy being invited to dine in her ritual pure kitchen. She refused to serve me in her kitchen. The science teacher जो है Shivashu ब्राह्मणिया एयर was not perturbed. तो क्या है यहाँ पे एक दिन जो उन उनके science teacher हैं APJ Abdul Kalam को खाने पे बुलाते हैं और उनकी जो वाइफ है उनके साइंस टीचर की जो वाइफ है वो बहुत ज़्यादा डर जाती है कि एक मुस्लिम बॉय हमारी प्योर किचन में आकर खाना खाएगा ये बहुत ज़्यादा उनके उसके लिए क्या था हरीफाइड था कि उनकी किचन प्योर है शुद्ध हो जाएगी ये जो कहा था ना ट्रेडिशनल नेचर वाली है शी शिजी वो उसने मना कर वो मना कर देती है कि मैं अपने किचन में बैठा उसको खाना सर्व नहीं करूँगी ओके जो साइंस टीचर है ना तो वो उसको फोर्स करती है अपनी वाइफ को और ना ही उसे गुस्सा होती है बट खुद सर्व करने लग जाते हैं किसको एपीजे अब्दुल कलाम को ऑफ का मीनिंग होता है अपसेट uh, होना ना तो वो अपसेट हुए ना ही एंग्री हुए अपनी वाइफ से उल्टा क्या करते हैं वो ए अब्दुल कलाम को खाना सर्व भी करती हो और उनके साथ बैठ कर खाते भी हैं और उनकी वाइफ है जो विंडो से डोर के पीछे से देख रही थी कि आखिर चल क्या रहा है नेक्स्ट अब यहाँ पे एपीजे अब्दुल कलाम सोच रहे हैं कि जब उसकी वाइफ डोर के पीछे से देख रही है कि हम दोनों में क्या डिफरेंस उसने नोटिस किया है कि जैसे उनके हस्बैंड खाना खा रहे हैं वैसे ही मैं खाना खा रहा हूँ जैसे खाना खा के उसके बाद पानी पी, पीते हैं वैसे ही वो उसके हस्बैंड पानी पी रहे हैं वैसे खाना खाने के बाद मैंने भी पानी पिया है खाना खाने, खाने बाद जैसे इन फ्लोर साफ करते हैं वैसे ही उसने किया है क्या एक डिफरेंस उसने नोटिस किया है क्योंकि ह्यूमन जो एक, एक्शन है वो तो वो तो सेम ही होंगे हमारे तो यहाँ पे वो ये सोच रही हैं कि उनके वाइफ ने क्या डिफरेंस नोटिस किया है क्या कि हम डिफरेंट रिलीजन से बिलोंग करते हैं यहाँ पे जो उनके साइंस टीचर हैं उनको नेक्स्ट वीक फिर से खाने के लिए इनवाइट करती हैं और उन्होंने वो क्या है अब ए पी जे थोड़ी हेजिटेट हैं हेजिटेशन को नोटिस करते हुए उन्होंने कहा है कि नेक्स्ट टाइम डिनर के लिए फिर आना और उन्होंने कहा है नोट नो टू गेट अपसेट अपसेट नहीं होना है डिस्टर्ब नहीं होना है और डिसाइड करना है सिस्टम को चेंज करने की कुछ डिसाइड करो ऐसी जो बहुत बड़ी बड़ी प्रॉब्लम को फेस करना है प्रॉब्लम को फेस करते हुए सोसाइटी में जो चेंज लाने हैं वो लेकर आने हैंक्स्ट टाइम जब वो विजिट करते हैं उसके हाउस पर डिनर करने के लिए बिकॉज नेक्स्ट वीक उन्होंने नेक्स्ट टाइम बुलाया था ना डिनर पे तो नेक्स्ट टाइम जब जाती हैं उनकी वाइफ उनको अंदर शिवम शिवाशू ब्रहमानियंस अय्यर्स वाइफ took me inside वो इनसाइड मींस तो किचन के अंदर लेकर जाती है और फूड को सर्व करती है अपने हाथों से ये चेंज है उनकी वाइफ में नेक्स्ट नेक्स्ट होता क्या है सेकंड वर्ल्ड वॉर खत्म हो चुका था इंडिया को फ्रीडम मिलने ही वाली थी और जो गांधी जी ने क्या डिक्लेयर कर दिया था कि जो इंडिया है वो खुद अपना एक इंडिया बनाएंगे जो इंडियंस हैं विल विल, विल बिल्ड देयर ओन इंडिया मीन्स जो इंडियंस हैं वो खुद अपना इंडिया बनाएंगे और पूरी कंट्री में ऑप्टिमिज्म फैल गया था मीन्स पूरा होप होपफुल हो, हो, हो फुल गए थे उम्मीद आ गई थी ऐसी उम्मीद जो पहले नहीं हुई थी कभी भी बहुत होपफुल हो गए थे और उस उसके बाद क्या होता है ए पी जे अब्दुल कलाम अपने फादर फादर से परमिशन लेते हैं नेक्स्ट स्टडी के लिए ठीक है रामेश्वरम छोड़ना पड़ेगा हायर स्टडी के लिए उनको रामेश्वर जाना पड़ेगा स्टडी के लिए और ये कहा था डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर इन जाएंगे स्टडी के लिए स्टडी एट डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर है, इन रामानाथमपुरम वहां पे उन्होंने नेक्स्ट स्टडी के लिए जाना था और परमिशन ले रहे हैं किससे परमिशन ले रहे हैं अपने फादर से उनके फादर हैं अब्दुल कलाम से कहते हैं मुझे पता है ग्रो करने के लिए तुम्हें वहां तो जाना ही पड़ेगा बिकॉज जो सीगल है यहाँ पे सीगल की एग्जाम्पल दे रही है सीगल एक सी बर्ड होता है अगर वो उसको खाना ढूंढना है तो अपने नेस्ट को छोड़ के दूर तो विदाउट अ नेस्ट मीन्स अपने नेस्ट को छोड़ के खाना ढूंढने के लिए जाना ही पड़ता है ज़रूरी नहीं है कि जो सीगल है हमेशा अपने नेस्ट में ही रहेगा अगर उसको खाना चाहिए तो उसको दूसरी जगह पे अपना नेस्ट छोड़कर जाना ही पड़ता है ऐसे ही अगर हम चाहते हैं कि हमारा जो फन है वो ब्रो करे तो उसको अपने पेरेंट्स का घर या फिर जहाँ पे वो रहते हैं उस जगह को छोड़कर बाहर तो जाना ही पड़ेगा अब यहाँ पे जो मदर है वो ज़्यादा इमोशनल हो जाती है और वो हेजिटेट करती है ए पी जे अब्दुल कलाम को बाहर भे, भेजने के लिए उनकी मदर का नेम क्या था खलील गिबरन गिब्रन उनकी मदर का नेम था और क्या करती हैं वो इमोशनल हो जाती है और हेज़िटेट करती है कि नहीं मैं बाहर नहीं भेज सकती बिकॉज uh, मदर सो सॉफ्ट होती है ना ए पी जे अब्दुल कलाम अब उनकी मदर को सॉरी जो उनकी फादर हैं उनकी मदर को समझाती है कैसे समझाते हैं योर चिल्ड्रन आर नोट योर चिल्ड्रन मीस तुम्हारे जो बच्चे हैं वो तुम्हारे नहीं हैं दे आर सन्स एंड डॉटर्स लाइफ लॉन्गिंग फॉर इट सर्क मीनस जो चिल्ड्रन होती हैं उनकी कुछ डिज़ायर होती हैं उनके कोई उनके ड्रीम्स होती हैं जो बच्चे हैं वो लाइफ के बच्चे हैं मीन्स जिंदगी के बच्चे हैं और उनकी कुछ डिज़ायर होते हैं वो उनके लिए जीते हैं अपनी उनकी भी कुछ डिज़ायर होती है ड्रीम्स होती है उनको फुलफ़िल करना होता है ओके दे कम्स दे कम थ्रो यू बट नोट फ्रॉम यू मीन्स वो तुम ये मान लिया है कि वो तुमसे ही आए हैं उनका बर्थ तुमसे ही हुआ है बट वो तुम्हारे नहीं है यू मे गिव दैम योर लव दिस एज अ पेरेंट्स हम उनको लव दे सकते हैं उनको अफेक्शन दे सकते हैं उनकी केयर कर सकते हैं उनकी बेसिक नीड फुलफ़िल कर सकते हैं बट हम उनको अपने थाट्स नहीं दे सकते फॉर दे हैव देर ओन थॉट बिकॉज उनके अपने खुद के थॉट होते हैं अपने खुद के लॉन्गिंग हो सकती होती है, हो है डिज़ायर होती है उनको समझाते हैं कि हम उनको फोर्स नहीं कर सकते हम अपने बच्चों को फोर्स नहीं कर सकते कि जैसा हम सोच रहे हैं जैसे हमारे थॉट हैं वैसा ही तुम सोचो उनकी डिफरेंट ड्रीम्स हो सकती हैं लॉन्गिंग हो सकती है अब यहाँ पे बहुत ही अच्छी और हाईर थिंकिंग है किसकी ए पीछे अब्दुल कलाम के फादर की नेक्स्ट फाइनली उसके फादर उनकी मदर को क्या कर लेते हैं कन्विंस कर लेते हैं समझा देते हैं और वो अपनी हायर so, स्टडी के लिए चले जाते हैं सो स्टूडेंट्स दिस इज द चैप्टर माई चाइल्ड ये एपीजे पी जे अब्दुल के ए अब्दुल कलाम के बचपन के बारे में था सब कुछ जो हमने पढ़ा है क्या कुछ उन्होंने अपनी लाइफ में एक्सपीरियंस किए हैं कैसे प्रॉब्लम उन्होंने फेस की है उनके पेरेंट्स के बारे में भी पता चला है पेरेंट्स उनके बहुत अच्छे थे उनके थिंकिंग मॉडर्न थे ओके स्टूडेंट्स दिस इज योर ओल चैप्टर आई होप आप सभी को अच्छे से समझ आया होगा एंड लाइक शेयर सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल थैंक्स वेट फॉर द नेक्स्ट वीडियोज़ थैंक्स टू ऑल